का श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मनीषा राघव। सेम सेक्स मैरिज अब कोई नई बात नहीं है। भारत जैसे देश में भले ही इसे कानूनी मान्यता ना मिली हो, लेकिन इस तरह की शादियों के किस्से जरूर सुनने को मिल जाते हैं। कहीं लड़की लड़की से शादी कर रही है तो कहीं दो लड़के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जहां गांव वालों ने दो लड़कों की शादी सिर्फ इसलिए कर दी ताकि वो देवराज इंद्र को खुश कर सके। गांव वालों का मानना है कि इस अजीब व गरीब टोटके से इलाके में अच्छी बारिश होगी। ये मामला कर्नाटक के मांड्या जिले के कृष्णराजपेट तालुका के गंगेनहली गांव का है। गांव वालों का कहना है कि कर्नाटक के कई हिस्सों में पिछले साल की तुलना में बहुत कम बारिश हुई। बारिश के लिए गांव वालों ने पारंपरिक टोटके को आजमाया है। एक लड़के को दुल्हा तो दूसरे लड़के को पूरे श्रृंगार के साथ में दुल्हन बनाया गया, फिर दोनों की शादी करा दी गई। इस मौके पर गांव वालों ने दावत भी की। दरअसल भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश के लिए अलग अलग तरीके के टोटके आजमाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अच्छी बारिश के लिए लोग शीतला माता की शरण में जाते हैं। माता के मंदिर में खास तरह की पूजा रखी जाती है। इस पूजा का हीरो होता है गधा, जिसे फूलों से सजाया जाता है। उस गधे पर एक बच्चे को बिठाकर शीतला माता के मंदिर पहुंचते हैं, जहां देवी को महिलाएं जल अर्पित करती हैं। माना जाता है कि इस तरीके के टोटके आजमाने के बाद झमाझम बारिश होती है। और मध्य प्रदेश के धार में तो अलग ही तरीके का एक टोटका आजमाया जाता है, जो कि बहुत ही अजीब और गरीब है। यहाँ लोग जिंदा युवक की शव यात्रा निकालते हैं। लोगों का मानना है कि इन टोटकों से बारिश के देवता इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और फिर बारिश से फसल धन धान्य से फल फूल जाती है। मध्य प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में टोटके के लिए खाली मटके को मंदिर में गाड़ते हैं। बिहार के मिथिलांचल और यूपी के अवध इलाके में इंद्रदेव से बारिश की गुजारिश के लिए अजीब ही परंपरा अपनाई जाती है। यहाँ बारिश के लिए महिलाएं खेत में हल चलाती हैं। वैसे इस मान्यता के पीछे की कहानी त्रेता युग से जुड़ी है। कहा जाता है कि ये तब की कहानी है जब एक बार भीषण अकाल पड़ा था। मिथिला के राजा जनक देवराज इंद्र को खुश करने के लिए खुद हल लेकर खेत में चल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हल चलाया और इसके बाद खूब बारिश हुई। ये तब की बात है जब राजा जनक को माता सीता जमीन के अंदर मिली थी। मानसून में अच्छी बारिश के लिए सबसे लोकप्रिय टोटका है मेंढक और मेंढके की शादी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में मेंढक और मेंढके की शादी लोकप्रिय है। लोग पारंपरिक तरीके से मेंढक और मेंढके की शादी करवाते हैं और फिर उन्हें शादी के बाद तालाब या फिर कुएं में छोड़ दिया जाता है। भारत के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां बारिश के लिए हवन यज्ञ भी कराए जाते हैं। राज्यों में पंजाब, हरियाणा और गुजरात आते हैं। वहीं राजस्थान के मेवाड़ इलाके में इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाएं बहुत सुंदर तरीका अपनाती हैं। इन इलाकों में महिलाएं खुले में दाल बाटी बनाती हैं और फिर लोगों में बांटती हैं। इसे सामूहिक प्रसादी की परंपरा कहते हैं। इसके अलावा महिलाएं गांव के बॉर्डर पर गोबर और पानी से भरी मटकी भी फोड़ती हैं। ऐसा कर वो इंद्रदेव को खुश करती हैं और बारिश का न्योता देती हैं। इस टोटके से इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और जमकर बारिश करते हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग में इस तरह के टोटके और लोगों की ये सोच भारत को अभी भी काफी पिछड़ा हुआ बनाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली अपडेट मिल सके। नमस्कार।